Good morning, my dear students, and welcome back to your maths lecture. Myself, Miss Chelsea, and today we are going to study subject mathematics. तो बच्चों चलिए blackboard पर लिखते हैं subject, lessons name, date and standard. Okay, students? Subject, maths. लेसन का नाम हम बाद में लिखेंगे बच्चों. सो स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी व्हाट इज टुडेज डेट? यस बच्चों, मुझे बताओ आज की तारीख कौन सी है? यस 26, राइट स्टूडेंट्स? So students, from today onwards, we are going to start studying from combined book number 3. Okay? तो बच्चों, आज से combined book number 3 से मैं आपको पढ़ाऊंगी. Okay? ये रही हमारी combined book number 3. Okay students? तो बच्चों, इस book में से आज से हम पढ़ाई करेंगे. ओके यस एंड दोज हु हैव नॉट परचेस्ड दिस बुक स्टिल परचेस इट. ओके तो कृपया करके जिसके पास यह कंबाइंड बुक नंबर 3 नहीं है तो जल्द से जल्द यह बुक लाइए. ओके यस तो बच्चों इस बुक में से आज से हम पहला लेसन पढ़ेंगे. ओके बच्चों और पहले लेसन का नाम है इंट्रोडक्शन एंड राइटिंग ऑफ 21 to 30. ओके लेसन का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन एंड राइटिंग ऑफ 21 to 30. तो चलिए ब्लैकबोर्ड पर लेसन का नाम लिखते हैं. इंट्रोडक्शन and writing of 11 21 to 30. okay students, तो इससे पहले बच्चों मुझे बताओ आप कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं? In first standard, right? So we will write your standard first. Okay students? Yes. तो चलिए लेसन से शुरुआत करते हैं. तो बच्चों लेसन स्टार्ट करने से पहले आपको बताया होगा कंबाइंड बुक नंबर 2 से हमने 11 टू 20 यह नंबर्स पढ़े थे, बराबर? Yes. If you don't remember, so now let us revise those numbers again. Okay? हमने numbers figures में कैसे लिखते थे और words में कैसे लिखते थे मैंने आपको सिखाया था, बराबर? So let us see the numbers again. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. तो बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने आपको combined book number 2 से numbers from 11 to 20 यह सिखाया थे, बराबर? Also we saw its spelling. So let us write the spelling on a blackboard. 11, E-L-E-V-E-N, 11, 12, T-W-E-L-V-E, 12, 13, T-H-I-R-T-E-E-N,
TEEN 13, 14, FOURTEEN 14, 14 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 15, 15 की स्पेलिंग है FIFTEEN. तो चलिए इसकी स्पेलिंग भी देखते हैं 16 से 20 तक. SIXTEEN 16, 17, SEVENTEEN. So this is the spelling of 17. 17 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 18. EIGHTEEN. 18 के बाद कौन सा नंबर आएगा बच्चों? 19. NINETEEN. 19. और हमारा लास्ट नंबर कौन सा है बच्चों? 20. TWENTY. तो बच्चों जैसे कि आप देख ही सकते हो इस साइड में हमने नंबर्स लिखे हैं 11 से 20 तक. सो दीज नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स और साइड में ही हमने इसकी स्पेलिंग लिखी है. इसका मतलब ऑन दिस साइड नंबर्स आर रिटन इन फिगर्स एंड ऑन दिस साइड नंबर्स आर रिटन इन वर्ड्स. राइट स्टूडेंट्स, सेम यही मैंने आपको कंबाइंड बुक नंबर 2 से पढ़ाया था. तो चलिए अभी से स्टार्ट करते हैं नंबर्स 21 to 30. ओके, तो 21 to 30 यह नंबर मैं आपको कंबाइंड बुक नंबर 3 से पढ़ाने वाली हूँ. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर लेसन. तो बच्चों चलिए लेसन से शुरुआत करते हैं. तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको 11 से 20 नंबर पढ़ाए हैं, उसके पहले कंबाइंड बुक नंबर 1 से मैंने आपको 1 to 10 यह नंबर्स पढ़ाए थे बराबर. और else फ्रॉम कंबाइंड बुक नंबर 3 वी हैव स्टडीड, नॉट कंबाइंड बुक नंबर 2, वी हैव स्टडीड नंबर्स फ्रॉम 1 to 20. राइट, तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम 21 से 30 यह नंबर्स पढ़ने वाले हैं. ओके, तो चलिए लेसन शुरुआत करने से पहले क्या आप मुझे बता सकते हो हम टेंस किसे कहते हैं बच्चों? यस, टेंस यानी क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज टेंस. तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं. अगर मेरे पास 12 चॉकलेट्स है, ओके, अगर मेरे पास 12 चॉकलेट्स है तो मैं कह सकती हूँ क्या मेरे पास एक टेंस है? यस, आई कैन से दैट आई हैव 1 टेंस एंड 2 यूनिट्स. देखिए मेरे पास 12 चॉकलेट्स है, 10 चॉकलेट्स मैं एक साइड करूंगी और 2 चॉकलेट्स मैं एक साइड करूंगी. जो मैंने 10 चॉकलेट्स एक साइड की है वो है मेरा एक टेंस, और जो मैंने 2 चॉकलेट्स एक साइड में की है वो है हमारा 2 यूनिट्स. तो कुल मिलाकर हुए ना 12 चॉकलेट्स. यस, तो स्टूडेंट्स ऑलवेज कीप इन योर माइंड टेंस मींस अ ग्रुप ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स. ओके, एंड यूनिट्स मींस सिंगल यूनिट्स, सिंगल नंबर्स, सिंगल ऑब्जेक्ट्स. सो यूनिट्स आर नॉट इन द ग्रुप ऑफ टेंस. ओके स्टूडेंट्स, यस, तो चलिए नंबर से शुरुआत करते हैं. तो बच्चों 20 इस नंबर के बाद आता है नंबर 21. ओके, 2 और 1 हुए 21. ये है 2 एंड 1 इज
21. So, for example, I can say I have 1, 2. तो बच्चों मेरे पास दो स्ट्रिंग्स है, ओके, दो थ्रेड्स है. एक थ्रेड में है 10 बॉल, ओके, एक थ्रेड में है 10 बॉल हुए 20, और एक बॉल सिंगल है. तो हम कह सकते हैं वी हैव टू टेंस एंड वन यूनिट. ओके, सो आई हैव टोल्ड यू टेंस मीन्स अ ग्रुप ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स. सो टेंस प्लस टेंस प्लस वन इज इक्वल टू 21. ओके, टू टेंस प्लस वन यूनिट मेक्स नंबर 21. सो नाउ हाउ वी विल राइट नंबर 21 इन फिगर्स? यस, इन फिगर आई हैव रिटन द नंबर. नाउ वी आर गोइंग टू राइट द नंबर इन वर्ड्स. TWENTY-ONE. तो बच्चों ये रहा नंबर इन वर्ड्स. ओके, मैंने आपको अभी सिखाया है नंबर फिगर में कैसे लिखते हैं और वर्ड में कैसे लिखते हैं. ओके, तो चलिए 21 के बाद कौन सा नंबर आता है बच्चों? 21 के बाद आता है नंबर 22. सो स्टूडेंट्स, सी फॉर एग्जाम्पल वी हैव 3, वी हैव 2 threads एंड 2 threads, ईच threads कंटेन 10 balls. ओके स्टूडेंट्स, एंड देर आर 3 single balls. सो फ्रॉम दिस we can say that we have 2 tens and 3 units. Okay? So, kul milakar hue number 22. 2 tens and, sorry, not 3 balls, 2 only balls. Okay? So, 2 tens and 2 units makes number 22. 2 and 2 is 22. So, now we will write this number in words. So, how we will write? TWENTY/TWO. Okay, students? So, students, in the same way, we are going to write the further numbers. Okay? So, 22 ke baad aayega 23. Yani ki 2 tens and 3 units. Okay? 2 tens or 3 units. Okay? So, we will write 23 in words. 20/3. तो बच्चों ये रही हमारी स्पेलिंग. तो 23 के बाद आएगा 24. ओके, और 24 हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? TWENTY/FOUR. और 24 इस नंबर के बाद कौन सा नंबर आएगा बच्चों? 25. सो वी कैन से दैट वी हैव 2 tens एंड 5 units. सो नाउ वी विल राइट दिस नंबर इन वर्ड्स. 20/5. ओके, सो हियर वी हैड 2 tens and 4 units
Here we have 2 tens and 5 units. Okay? तो चलिए बच्चों, अब 25 के बाद जो कौन सा नंबर आता है वो हम देखेंगे. So students, after 25, the number which comes is number 26. Okay? और इस नंबर को हम लिखेंगे वर्ड्स में 20/6. Okay students, so from here we can say that we have 2 units, 2 tens and 6 units. Okay students, yes. After 26, the number which comes, that is number 27. तो बच्चो, 26 इस नंबर के बाद आता है नंबर 27. So, now we will write this number in words. 27. तो बच्चो, इससे हम कह सकते हैं, we have 2 tens and 7 units. Right students? Yes. After 27, जो नंबर आता है, वो है number 28. Okay? 2 and 8 becomes number 28. So now let us write this number in words. Okay? So how we will write this number in words? First, we will write the spelling of 20. Then we will make a slash. Okay? A sign of minus. Then we will write a spelling of 8. तो इससे हम कह सकते हैं, we have 2 tens and 8 units. Okay? और 28 के बाद जो नंबर आता है वो है नंबर 29. Okay students? 2 and 9 is number 29. So now let us write the spelling of this number also. Okay? 20-9. Okay students? Yes. So students, after 29, the number which is last is known as 30. Okay students? Yes. So students, for the number 29, we can say that we have 2 tens and 9 units. Right students? Yes. And our last number for today is 30. 30. So now let us write the spelling of 30. T-H-I-R-T-Y. 30. So students, this is our last number and that is 30. So we can say that we have 3 tens and 0 units, right? Tens means a group of 10 objects. So we can say that we have group of 10, that is 30. Okay? Yes, students. So students, now we will solve one more question. Okay? And that is, fill the boxes with the correct number in serial order. Okay? Please pay attention on the blackboard.
तो बच्चों जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख ही सकते हो, दिस इज आ क्वेश्चन, दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज अ सेकंड क्वेश्चन। तो बच्चों जैसे कि आप देख ही सकते हो, एक बॉक्स में नंबर दिया गया है और ये दो बॉक्स खाली है। अभी हमें यह बताना है कि 23 इस नंबर के बाद कौन कौन से नंबर आते हैं, वो नंबर हमें इस बॉक्स में लिखने हैं। ओके, तो बताओ 23 इस नंबर के बाद कौन कौन से नंबर आते हैं? यस, रिकलेक्ट द नंबर्स फ्रॉम 21 to 30, 21, 22, 23, 24 and 25. So answer is 24 and 25. Okay students, तो चलिए दूसरा भी सॉल्व करते हैं। अब आप मुझे बताओगे 25 इस नंबर के पहले और 25 इस नंबर के बाद कौन कौन से नंबर आते हैं? चलिए नंबर्स याद कीजिए, 21, 22, 23, 24, 25, 26. So answer is 24, 25 and 26. Okay students, तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने नंबर्स देखे, ओके, 21 से 30 तक। ओके बच्चों, तो बच्चों आपको होमवर्क के लिए पेज नंबर 39 एंड 40 सॉल्व करना है। ओके, आई विल सेंड द होमवर्क ऑन योर मोबाइल फोन, ऑन योर व्हाट्सएप। सो स्टूडेंट्स, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द नंबर विच कम्स आफ्टर नंबर 30। ओके, अगले वीडियो में 30 इस नंबर के बाद जितने भी नंबर्स आते हैं वो हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।